born to watch porn. मतलब सब्जेक्ट ही हीरो है. आप देखना बहुत जल्द इस नाम से एक पिक्चर बन के आ जाएगी, डायरेक्टेड बाय राम गोपाल वर्मा. पर मैं यहां आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, नाम सुनकर ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है. एक कहानी है जो कभी ना कभी आपके आसपास से गुजरी होगी, और अगर नहीं गुजरी होगी तो अगले 5 मिनट तक आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा, और जब कभी आप सिनेमा हॉल जाओगे ये गाली कहानी जरूर याद आ जाएगा. बात है साल 2003 की, तब एक फिल्म आई थी तेरे नाम, और मैं उस साल दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था. पहला तो ऑब्वियसली तेरे नाम, और दूसरा वोटर आईडी कार्ड पे अपना नाम. इस बात से आपको मेरी उम्र का तो अंदाजा लग गया होगा, मतलब लौंडा नया नया जवान हो रहा था, जवानी फूट रही थी, और उस दौर में लड़कियों को एक नजर ताक लेना भी आशिकी होता है. और वही वाली आशिकी पिछले 3 महीने से मुझे भी हो गई. फिल्म रिलीज से जस्ट 15 दिन पहले उसकी शादी, दिल टूट गया. बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, बड़ी मुश्किल से. और उस दौर में मेरा एक दोस्त मेरा बहुत साथ दिया, और उससे भी कहीं ज्यादा साथ सलमान खान का मिला. मेरे उस दोस्त ने कहा, भाई भाईजान की नहीं टिकी तो तू किस खेत की मूली. ये सुनकर अपनी फीलिंग को फ्लश किया और भाईजान के प्रति सिंपैथी बढ़ गई, और डिसाइड कर लिया अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी, पहला दिन पहला शो तो देखना है. फिर आई फिल्मी फ्राइडे. आपका भाई सुबह सुबह नहा धोके तैयार, फुल एक्साइटेड, मतलब दुनिया का पहला टिकट मुझे ही चाहिए. दोस्त ने कहा, बेटा रुक जा, हम 3 से 6 वाली सो जाएंगे. मैंने कहा, बेटा तू जाना, मुझे तो पहला ही शो देखना है. हाँ, अगर तू मेरे साथ चलेगा, चलेगा अगर, तो टिकट मेरी तरफ से, और इंटरवल में समोसा और आइसक्रीम भी खिलाऊंगा. अब भला समोसा और आइसक्रीम कौन छोड़ता है, मैं तो कभी नहीं छोड़ता, उसने भी नहीं छोड़ी. और चले गए हम पिक्चर पे. अब यहां आने के बाद जो नजारा दिखा, वो या तो हम अपने वहां बाढ़ राहत सामग्री केंद्र में देखते आए हैं, या फिर मुंबई की लोकल ट्रेन में. मतलब इतने हारे हुए आसे, इतने सारे हारे हुए आसे, लेकिन को देखकर सच बताऊं तो मजा आया. मुझे ये नहीं लगा कि मैं अकेला हूं, एक भीड़ दिखी जो अपने कौम का था. जेब में पैसे होते तो सबको अपनी तरफ से फिल्म दिखाता. खैर अभी अपने को टिकट मिल जाए वही बहुत थी. तभी वहां ब्लैक में टिकट बेचने वाला एक बंदा दिखा, 10 का 20 कर रहा था वो. मुझे उसे देखने के बाद अपने चचेरे साले वाली फीलिंग आई. हाँ वही गर्लफ्रेंड का मुंगोला भाई, जिसे एक लेटर पहुंचाने के लिए हम कभी 2 रुपये दे दिया करते थे या 2 चॉकलेट दे दिया करते थे. मैंने उस बंदे से कहा, तू 10 का 20 नहीं 50 भी मांगता तो दे देता तुमको. तुमको देख कर ना अपने चचेरे साले वाली फीलिंग आती है, तू मांग के तो देख. हॉल के अंदर जाने की उत्सुकता बढ़ गई थी. मैंने चुपके से हॉल के अंदर झांका, मुझे कुछ अजीब सा दिखा, मतलब कुछ भयानक, मतलब जो हम पहली बार देखते हैं. अब बताने की जरूरत नहीं है, आप भी देखे होंगे पहली बार. लेकिन और कुछ देखने की उत्सुकता थी, उससे पहले सिनेमा हॉल वाले ने बाहर निकाल दी. मैं बाहर आकर सोचा कि सलमान भाई इतने डिस्पो कैसे हो सकते हैं, इतने
था डिस्पो। मैं सोच ही रहा था तभी साइड में एक फोटो दिखी, जवानी की जंग। मैंने अपने दोस्त से आकर पूछा, भाई हम तो तेरे नाम देखने आए थे, तो जवानी की जंग लगी हुई है। उसने फिर एक बार गाली देते हुए कहा, बोला था मैं सेकेंड सो जाएंगे देखने, बोला था ना। मैंने कहा, लेकिन हम तो तेरे नाम का टिकट लिया है ना भाई। बोला हाँ, ये जवानी की जंग खत्म होने दो, फिर जवानों की जंग शुरू होगी। थोड़ा सा इंतजार, बस जिंदगी में इंतजार के सिवा कुछ था नहीं। पहली बार मुझे पता चला था कि ऐसी भी कोई फिल्म होती है, यहाँ भी हीरो होते हैं, हीरोइन होती है और विलेन होते हैं। यहाँ पर दिल मिले ना मिले, हीरो हीरोइन मिला कर पुरजोर तरीके से मिलते हैं। मतलब गोविंदा की सरकारी लोग खटिया वाली खटिया हिलती है, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था भाई। पर एक बात मैं बता दूं आप सबको कि यहां सैकड़ों विकी डोनर मिलेंगे जो कहीं भी इधर उधर अपना डोनेट करके चले जाते हैं। ये बात शायद आपकी समझ में अभी तक नहीं आई होगी, आगे समझ में आ जाएगी, तब तक सब्र कीजिए। जवानी की जंग खत्म हुई, खत्म होते ही मैं भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। मेरा दोस्त जो पीछे से आवाज लगा रहा था, मैं उसकी आवाज को अनसुना किया और जाकर अपनी सीट पर जा बैठा। फिर वो आया, वो अपने सीट पर अपने पैर से ऐसे पता नहीं क्या किया। मैं उसे देखता रहा कि ये क्या कर रही है। मैंने उससे पूछ लिया, भाई तू ये क्या कर रहा था। उसने कहा, अगली बार जब कभी पहला शो देखने आना और अगर उससे पहले जवानी की जंग चली हो तो ऐसे ही पैर मार लेना। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन 2 सेकंड बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पैंट के नीचे कुछ लग गया है। तब जाके बात समझ में आ गई थी। और जिस सलमान भाई को देखने के लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था, उनकी एंट्री होने से पहले मेरी एग्जिट हो गई। यू आर बॉर्न टू वॉच पॉर्न मैन, बट दैट डजंट मीन कि तुम कहीं भी कुछ भी है। मतलब विक्की के साथ तुम भी डोनर हो सकते थे, तो संभाल के रखते। अब लाइक करो और शेयर करो उन सभी दोस्तों को जिसके साथ आप पिक्चर देखने जाया करते थे। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू।